उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रोड में आज उस समय हड़कंप मच गया जब निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में अचानक भयंकर आग लग गई। आग की जानकारी तुरंत ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गई। आग में गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए लाए गए सामान जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि आग लगने से आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। लोग आनंद फानन में अपने घरों के बाहर आ गए। दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। टीम आग लगने के कारण की जांच कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, किस चीज की फैक्ट्री आपकी? हमारी एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर अचानक हमारे चौकीदार ने बताया कि पाइप में आग लग गई है, तो हमारे पूरा स्टाफ और हम लोग मिलकर आग बुझाने में लग गए। 20 फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से हमने आग पर काबू पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया। 15-20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। कितनी भयंकर आग हुई? आग बहुत भयंकर थी। अगर ये काबू में नहीं आती तो आसपास के इलाकों में फैलने का खतरा पैदा हो गया। कौन सी जगह है ये? इस एरिया को कल्याणपुर रोड बोलते हैं। तो अब आग पर काबू पा लिया जी? अब आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया। किस चीज़ की पाइपलाइन है ये? ये गैस पाइपलाइन है और पुलिस के अधिकारी और पूरा कटघर थाना सभी यहाँ मौजूद थे। तो कुछ पता चला आग कैसे लगी? कुछ इस बात की छानबीन हो रही है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं लग पाया। आग काफी भयंकर थी। आग बहुत भयंकर थी और इसकी लपटें पूरी प्रभात मार्केट तक देखी गई थी, क्योंकि वहाँ के भी पब्लिक यहाँ पे आके काफी भीड़ भाड़ हो गई। इसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा।